हाजीपुर जाना था, बिहार हाजीपुर वैशाली डिस्ट्रिक्ट वहीं करना था। वो वहाँ से ठीक से आई है, यहीं जब गोंडा से जब निकली है करीब तकरीबन 10-15 मिनट पहले, निकलने के बाद जो है से साइड बहुत जोरदार कंपन किया है, जैसे लग रहा है नीचे उतर गया हो। दो इस साइड और फिर तीसरे बार में लेफ्ट साइड जो है से हम लोग कट गए। आवाज भी तेज हुई थी या फिर कंपन ही हुआ? नहीं, आवाज तेज हुई, तेज होने के बाद फिर दो बार ये और दो बार है, फिर तीसरे बार में लेफ्ट साइड में गिर गए हम लोग। इंजन के पीछे एक जनरल बोगी था, उसके बाद हमारा ए सी, 3-4 बोगी ए सी था हम लोग, उसके बाद पहले ए सी नहीं थे जो नीचे गिर गया। लेकिन सब पहले कुछ धमाके की आवाज आई थी? हाँ, थोड़ा धमाका हुआ था, हल्का धमाका हुआ था, थोड़ा जोर से झटका लगा था, बहुत जोर से झटका। झटका लगने के बाद दो बार फिर इधर, दो बार इधर, तीसरे बार फिर पलट गया। अच्छा, तो आप लोग कितने लोग थे और कहाँ से आ रहे थे? 10 लोग हैं हम लोग, शादी से आ रहे हैं चंडीगढ़ से ही। अभी सुरक्षित हैं और कैसे आप लोगों को घरों तक कैसे भिजवाया जाएगा? हाँ, सुरक्षित है, अभी बोले हैं सर को आपको गुंडा के लिए भिजवा दीजिए, वहाँ से गाड़ी कर लेंगे, वहाँ निकल लेंगे। और बोल रहे हैं कि हाँ अभी आ रहा मेरे घर के। आपके परिवार में भी कोई किसी को चोट वोट नहीं? नहीं, सब निकल गए हम लोग, पहले हम लोग निकल गए, फिर सब बाहर आ गए, फिर सब लोग निकले, तब हम लोग धीरे धीरे सामान निकाले। ये बताइए कहाँ से कहाँ जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे आप और क्या हुआ? चंडीगढ़ से गाड़ी पकड़े थे नागालैंड के लिए। क्या हुआ? अचानक से हो गया, अचानक से लगा एक्सीडेंट हुआ ना, जोर से सब गिर गया, हम लोग नीचे उतर गए और कोई बात नहीं। हमारे सारे अधिकारियों से भेंट हो गई है, यहाँ पे जितने घायल अवस्था में लोग हैं उनको मनकापुर CHC और गोंडा भेजा जा चुका है, बाकी जो यात्री हैं उनको सड़क तक मेन रोड तक ले आने का हम लोग भी प्रबंध कर रहे हैं और प्रशासन भी प्रबंध कर रहा है। वहाँ मेन रोड से उनको बस लगवा दी गई है जिससे वो मनकापुर रेलवे स्टेशन पहुँच सकें। मनकापुर रेलवे स्टेशन पे हमने DRM से हमारी बात हो गई है, गोरखपुर में ट्रेन तैयार हो रही है, स्पेशल ट्रेन, रिलीफ ट्रेन, वो आएगी और यहाँ से ये जो यात्री आगे जा रहे थे, गोरखपुर जा रहे थे, कटिहार जा रहे थे, जो आगे अपने जगह पे जा रहे थे उनको, हाँ उनको ये ट्रेन यहाँ पे लोड करके उनको अपने अपनी जगह पे पहुंचाया जाएगा। अभी यहाँ जिला प्रशासन से क्या बात हुई आपकी कि अभी जो रेल है इसको कब तक खाली करा के सुचारू रूप से चालू कराएंगे? देखिए, ये जब DRM साहब आएंगे वो जायजा लेंगे, उनकी टेक्निकल टीम ही बता पाएगी, या प्रशासन और हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये मुख्य मार्ग है, मुख्य लाइन है, रेलवे मार्ग है, तो उसको हमारे बहुत जल्दी ही एकदम प्रायोरिटी बेस पे चालू करने का निर्देश मंत्रालय से, उसमें कोई दोहरा नहीं है। बतौर विदेश मंत्री आपकी PMO से क्या बात हुई अभी इस हादसे को लेकर या CM से क्या बात हुई? देखिए, हमारी CM के यहाँ से फोन आया था, हमारे पास मैसेज आया है। आप NDRF हैं, बताइए।